फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन मसाला रोस्ट। ओवन के बिना बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा झटपट बनके तैयार होंगी, फ्लेवर वही आएगा जो मार्केट में मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेग पीसेस लिए हैं, तो 10 मिनट तक विनेगर और नमक के पानी में आपने डुबो कर रखना है। इस तरीके से अच्छे से साफ कर ले, कट्स लगा ले ताकि मसाला अंदर तक जाए। उसके बाद एक नींबू का रस डालना है, अच्छे से नींबू का रस डाले ताकि ना जूसी और टेंडर बने अंदर से चिकन। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, एक बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। नमक डाले टेस्ट के हिसाब से। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन हो रहा है अपना, तो फर्स्ट मैरिनेशन आपने से आधे घंटे तक अपने इसे साइड में रख देना है। अच्छे से कट्स के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नमक अच्छे से जाना चाहिए, तो अच्छे से मलते हुए सारे मसाले को लगा ले और आधे घंटे तक साइड में रख दे। तब तक हम मसाले का प्रिपरेशन करते हैं कि जो इसमें मसाला लगेगा। तो बाहर से कोई मार्केट का मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में ही बनाएंगे। जिसके लिए 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है, 1 टीस्पून के करीब अदरक लेना है, या 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीर रेड चिली पाउडर कलर के लिए है, 1 मुट्ठी हरा धनिया, और यहाँ पर 4 से 5 मैंने ना लाल मिर्चों को पानी में भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए, पानी के साथ डालना है और अच्छे से इस तरीके से पीस कर इस तरीके से पेस्ट बनाना है। और ये पेस्ट को आपने अभी चिकन में ट्रांसफर करना है। बाहर का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी मसाले के अंदर तंदूरी चिकन आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी और बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर कट्स में भी अच्छे से इन मसालों को लगाना है ताकि फ्लेवर अंदर तक आ जाए। देखिए इस तरीके से जितना मैंने मसाला बताया ना, उतना मसाला चिकन के लिए काफी है 3 पीसेस के लिए। तो जो हमने मिर्ची डुबो कर रखी थी ना, पानी के अंदर भिगा कर रखी थी, तो उसे पानी के साथ ही आपने पीसना है, पानी ना फेंके, पानी के साथ ही पीस ले। उसके बाद पैन में तेल अच्छे से गर्म कर ले। उसके बाद एक पैन में 2 ही पीसेस आते हैं चिकन के, तो मैंने 1 पीस दूसरे पैन में फ्राई किया था। तो यहाँ पर शैलो फ्राई करना है, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर पहले एक साइड को अच्छे से फ्राई कर ले, उसके बाद दूसरी साइड को भी मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ मार्क्स दे रहे हैं ऊपर से। यहाँ पर देखिए एक तरफ से अच्छे सा कलर आ गया है एक साइड से, तो हमने साइड को चेंज करते हुए लिड लगानी है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने लिड लगाकर पकाना है लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि अंदर तक चिकन पकना चाहिए ना, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से मार्क्स आ जाएंगे। देखिए मैंने ना बीच बीच में हिलाते भी रहे, देखे कि नीचे कलर लग तो नहीं रहा है, ज़्यादा डार्क कलर तो नहीं हो रहा है, जल तो नहीं रहा है, तो अच्छे से देखते हुए 15 मिनट तक पकाना है ढककर। तो देख सकते हैं आप कलर कितना खूबसूरत आया है और चिकन अंदर तक टेंडर और जूसी पकता है, तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो जरूर आप भी ट्राई करें और लो फ्लेम के ऊपर ये सारे चिकन को हम पकाएंगे, क्योंकि हमको अंदर तक पकाना है। तो मैंने फिर साइड चेंज किया, एक साइड से 10 मिनट तक, दूसरी साइड से 10 मिनट तक पकाए। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल के इस तरीके से साइड में रख दिया। अब उसका मसाला तैयार करते हैं। तो जिस पैन में मैंने चिकन फ्राई किया था, बस उसी तेल के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है ना, तो उसी तेल के अंदर जो बचा हुआ मसाला है हमारा, जिसमें चिकन मैरिनेट किया था हमने, बस वही मसाले को हमने तेल में डालकर अच्छे से भूनना है यहाँ पर, जब तक उसका ऑयल सेपरेट नहीं होता। तो मैंने साइड में रख दिया है पैन को भूनने के लिए, मसाले को भूनने के लिए, जब तक अभी हम यहाँ पर कोयला तो नहीं है हमारे पास, तो तंदूरी फ्लेवर देने के लिए गैस के ऊपर इस तरीके से जाली रखना है, उसके ऊपर चिकन के पीसेस को बटर लगाते हुए अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबू आ रही थी इस वक्त, तो बहुत ज्यादा खुशबू और बहुत ही फ्लेवरफुल तंदूरी चिकन बनके रेडी हो गया था। बहुत कम मसाले लगे, आपने देखा कि दही, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इन मसालों से थोड़ा सा हटकर हम इस मसाले के अंदर तंदूरी चिकन आप जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल लगता है ये तंदूरी चिकन और बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ना अलट पलट करते हुए बटर लगाया है और लो और मीडियम फ्लेम के ऊपर है ना अच्छे से मैंने स्मोक दिया है, तो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और टेंडर तंदूरी चिकन बनके तैयार हो गया था। तो आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने सारे तंदूरी चिकन को स्मोक दिया है, अब हम प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर आपने क्या करना है, जो सारे तंदूरी चिकन को प्लेट में रखना है और जो हमने मसाला भून कर रखा था, मसाले को इस तरीके से सब तरफ से चिकन के ऊपर डालना है। तो चाट मसाला डाले, हरा धनिया, नींबू का रस डालकर मसाले के साथ तंदूरी चिकन को एंजॉय करें, इफ्तारी में जरूर बनाएं। और अगर रेसिपी आज की थोड़ी ही पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी मिली। कमेंट जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।